नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नई नई जानकारी लाता रहता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने पिछले एक साल का उनका अगर रिटर्न देखा जाए तो कमाल का रिटर्न रहा है। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि कोई कंपनी इतनी रिटर्न एक साल के अंदर दे सकती है। तो दोस्तों, बात करेंगे, पूरा डिटेल पूरा एनालाइज करेंगे कम्प्लीटली, और कुछ टाइम से इस शेयर में आपको लोअर सर्किट पे देखने को मिलेगा। तो आप शायद समझ गए होंगे मैं किस शेयर की बात कर रहा, अगर नहीं समझे तो मैं आपको बता दे रहा। तो दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ ऑलॉग इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा शेयर है जिसने बहुत तेज़ी से ऊपर ये गया, उसके बाद फिर बहुत तेज़ी से नीचे भी आया और आए भी रहा है अभी भी नीचे। तो दोस्तों, पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे की अगर बात किया जाए तो दोस्तों इसमें फिर से काफ़ी आप कह सकते हैं तेज़ी देखने को मिली है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि आखिर क्या रीज़न था और क्यों इतनी तेज़ी देखने को मिली है। क्या ये शेयर फिर से भागना स्टार्ट कर दिया, क्या इसमें अब सब जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, और क्या ये शेयर अब फिर से बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो दोस्तों, सारी बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन का कि क्या इनकी एक्टिविटीज़ रही है। तो देख सकते हैं आप, इसमें 5% का सर्किट लगा हुआ था, और अगर वही प्रीवियस क्लोज की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 26.05 रुपये पे ये क्लोज हुआ था। ओपन की बात करें तो ये 25.45 रुपये पे ओपन हुआ। हाई की बात करें तो 27.35 रुपये पे इसका इसने अपना हाई बनाया, यानी उसी पे ये क्लोज भी हुआ था क्योंकि अपर सर्किट लग गया था। तो उसके बाद वहीं लो की बात किया जाए तो देख सकते हैं दोस्तों, जो ओपन हुआ था वही उसका लो है 25.45 रुपये। क्लोज की बात किया जाए तो ये अपने हाई पे ही क्लोज हुआ था। 52 वीक हाई की बात किया जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं 58.50 रुपये 3 जुलाई को इसने अपना हाई बनाया, यानी इसी मंथ में। और देख सकते हैं 52 वीक अगर लो की बात किया जाए तो 3.80 रुपये जो कि 1 अप्रैल को बनाया था इसने अपना लो। क्वांटिटी ट्रेडेड की बात किया जाए दोस्तों, आप देख सकते हैं 3 करोड़ से ज़्यादा की क्वांटिटी ट्रेड हुई है। वहीं अगर डिलीवरी की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 2 लाख के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है, यानी कि आप देख सकते हैं 62.25% की डिलीवरी उठाई गई है। यानी दोस्तों, डिलीवरी काफ़ी स्ट्रांग उठाई गई है आप देख सकते हैं। वहीं आगे की डिटेल की बात किया जाए तो पहले रिटर्न की पोर्टफोलियो देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों रिटर्न की पोर्टफोलियो देखना ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चल सके कि कंपनी ने आखिर कितनी मजबूती से ये रिटर्न दे रहा है। तो दोस्तों, 1 हफ्ते की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं लगभग 10% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न रहा है। वहीं दोस्तों, अगर 1 महीने की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 35% के आसपास, यानी 34.5% का नेगेटिव रिटर्न 1 महीने के अंदर। दोस्तों, ये कोई सीढ़ी नहीं है, आप देख सकते हैं ये इसी का चार्ट है, और ये पिछले 1 महीने से आप कह सकते हैं कि ये अपने लोअर सर्किट पे ही लगता हुआ दिख रहा है। और अगर वहीं बात किया जाए 1 साल की तो आप देख सकते हैं दोस्तों 812% का इसमें पॉजिटिव रिटर्न। दोस्तों, 1 साल के अंदर 812% का कमाल की रिटर्निंग है दोस्तों, आप देख सकते हैं। वहीं अगर डिटेल आगे देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात किया जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं पब्लिक सबसे ज़्यादा पब्लिक इसमें इंक्लूडिंग है, प्रमोटर्स के पास बस नाम मात्र का शेयर है। वहीं पब्लिक 84% लेके बैठी है, यानी रिटेल इन्वेस्टर इसमें बहुत एक्टिव हैं और हो सकता है कि वो फंसे पड़े भी हों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि पहले तो प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग कम है, ऊपर से उसमें फ्लैश शेयर भी 100% पड़ा हुआ है, यानी सारे के सारे जो भी उनके पास शेयर हैं वो सब के सब गिर भी पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, हो सकता है इसी रीज़न से ये शेयर इतनी तेज़ी से गिरा था। तो दोस्तों, नेक्स्ट डिटेल का देख लेते हैं कि आखिर ये शेयर भागा क्यों फ्राइडे को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इनका रिजल्ट आने वाला है जो कि 31 मार्च के क्वार्टर का, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इनका Q4 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया था, और वही रिजल्ट आने वाला है। और बीच में इन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था जो कि आप देख सकते हैं डॉक्टरों के लिए PPE बनाने का। तो दोस्तों, उसके बाद का देखना ये ज़रूरी होगा कि कोरोना वायरस के बाद इनकी, पहले तो बिजनेस बंद होने वाला, आप देख सकते हैं कि इनका बिजनेस बंद होने लगा लॉकडाउन के कारण, लेकिन मुकेश अंबानी जी ने अपना दिमाग लगाया और डॉक्टरों की PPE के लिए इन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। उसके बाद आपको पता है चाइना से कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ने लगें, तो चाइना से इंपोर्ट बंद हुआ क्योंकि चाइना से जो PPE भी आ रहा था वो भी काफ़ी बेकार क्वालिटी का था। तो उसके बाद कहीं ना जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, जो हमारे इन हाउस के हैं
यानी इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग है उनका फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों इस कंपनी ने भी पीपीई बनाना स्टार्ट किया, तो ये देखना जरूर इंपॉर्टेंट होगा कि क्या प्रॉफिट हो सकता है कंपनी को, क्योंकि कंपनी ने पिछले काफ़ी टाइम से काफ़ी क्वार्टर से अपना लॉस ही लॉस दिया हुआ है। तो दोस्तों ये एक प्लस पॉइंट होगा इस कंपनी के लिए। तो दोस्तों इसमें आप कह सकते हैं कि जो ऑपरेटर्स हैं वो भी बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इस शेयर को ऊपर भगा रहे हैं फिर उसके बाद नीचे गिरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स का हाथ है। इसीलिए इसे कैसे आगे ट्रेड करना है उसके लिए भी मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो चलिए दोस्तों आगे की डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले चार्ट पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस चार्ट की वैल्यू आपको सीधा ये शेयर अपर सर्किट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इसकी आप देख सकते हैं वैल्यूएशन, ये सीधा अपर सर्किट आपको पर डे देखने को मिला था। और ये शेयर दोस्तों आगे जाके ये अपना हाई बनाता है जो कि 3 जुलाई को 58.50 रुपये पे, उसके बाद से दोस्तों इसमें गिरावट आनी स्टार्ट हो जाती है और ये अपना लोअर सर्किट बनाने लगता है। और देख सकते हैं दोस्तों यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे को इसमें फिर से एक अपर सर्किट देखने को मिला। तो दोस्तों ये एक प्लस पॉइंट। वहीं बोलिंजर बैंड की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं अपर बैंड की अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 59.51 का है, जो कि ये शेयर उसी के आसपास से टच होके नीचे आया है। और लोअर ब्रांड की बात किया जाए तो 21.03 है, यानी ये शेयर उसी के आसपास यानी 25 रुपये के आसपास इसने अपना लो बनाया था। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये शेयर हो सकता है यहाँ से फिर से संभलने की कोशिश करे अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट पे ही मेन बेसिस रहेगा। अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो ये शेयर फिर से अपना नया हाई भी बना सकता है, और रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है तो ये शेयर फिर से अपना लो बना सकता है। तो जिनके पास इनका शेयर है तो पहले तो वो कुछ अपना इसमें आप क्या प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दें अगर आप इसमें प्रॉफिट में आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा एक शेयर है जो अपर सर्किट या लोअर सर्किट पे लगा रहता है। अगर लोअर सर्किट लगता है तो आप बेच नहीं पाओगे बाद में, इसीलिए आप अपना पार्शियल इसमें प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करें अगर आपके पास इसके शेयर हैं। तो दोस्तों अगर RSI की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 33.83 का है, जो कि बियरिश शो कर रहा है। वहीं दोस्तों MACD भी सेम है, -2 का शो कर रहा है, जो कि वो भी बियरिश शो कर रहा है। तो दोस्तों ये एक प्लस पॉइंट है। मेन दोस्तों इनका फोकस Q4 के रिजल्ट पे रहेगा, रिजल्ट कैसा आता है उसके बाद ही आगे की आप प्लानिंग कर सकते हैं। रिजल्ट अगर अच्छा आता है, पॉजिटिव आता है, तो आप इसमें बने रह सकते हैं और माल उठा सकते हैं। लेकिन रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है तो दोस्तों आपको एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक पैनी शेयर है। आपको अगर रिस्क लेना पसंद है तभी आप इसमें बने रहें, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये शेयर आप जिस हिसाब से देख रहे हैं लोअर सर्किट लग रहा है, तो आपको बेचने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये 50 से 30 आ जाएगा, 30 से 20 चला जाएगा, उसके नीचे भी जा सकता है। तो इसीलिए दोस्तों अगर पहले इनका रिजल्ट आ जाए उसके बाद फिर आगे की प्लानिंग करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि आखिर इसमें अपर सर्किट क्यों लगा फ्राइडे को, क्योंकि 31 को इनका रिजल्ट आने वाला है और हो सकता है इसमें ऑपरेटर भी एक्टिव हो जाए किसे, क्योंकि दोस्तों जो भी छोटे पैनी शेयर होते हैं उसमें ऑपरेटर एक्टिव रहते हैं। जैसे ही उनका रिजल्ट आने वाला रहता है तो उस शेयर को काफ़ी ऊपर तक भगाते हैं, और जैसा रिजल्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग फिर नीचे भी जाता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।